हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मनी मनीष चैनल। मैं मनीष आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दूंगा जो आपको जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ जो आपको जानना जरूरी खबरें वही। तो आज की पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो निकल के आ रही है दोस्तों खबर, वो है ईरान ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को, मतलब ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है उसको और बहुत ही जल्दी वो स्टार्ट करने की तैयारी में है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को 3 हफ्ते के अंदर वो स्टार्ट कर देगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हम सब क्रिप्टो लवर्स के लिए दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ईरान के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सेंक्शन लगा दिए गए थे, तो उसके चलते ईरान क्या कर रहा था कि वो क्रिप्टो करेंसी को इजी करने के लिए देख रहा था कि उसको, ताकि उससे इकोनॉमी को आराम से उसको बूस्ट दिया जा सके। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है छोटा सा पार्ट इसका। द वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, जो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, सिक टू फॉलो इन फुट स्टेप ऑफ वेनेजुएला विच हैड इशूड एन ऑयल बैक्ड डिजिटल करेंसी कॉल्ड द पेट्रो, बट कैन ईरान सक्सेड वेयर वेनेजुएला इज फल्टरिंग। दोस्तों वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है वो देख रहा है कि एक स्टेप लिया है उन्होंने, वेनेजुएला ने जैसे स्टेप लिया था ऑयल बैक डिजिटल करेंसी जो लॉन्च की थी पेट्रो, तो क्या ईरान भी उस तरफ बढ़ रहा है आगे, और जहां की वेनेजुएला स्टे है। ठीक है, ईरान टू स्टार्ट माइनिंग क्रिप्टो करेंसी इन 3 वीक। ईरान हैज एग्रीड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज एन इंडस्ट्री एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान विच ओवरसीज फॉरन एक्सचेंज एंड मॉनिटरी पॉलिसी विल ड्रॉप अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री नेक्स्ट 18 डेज। दोस्तों यहाँ पे ईरान एग्री हो गया है ऑफिशियली माइनिंग करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को, उसकी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो और सेंट्रल बैंक के साथ, ईरान के साथ मिलके। तो ये लोग फॉरेन, जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह को देखते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना था, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाना, एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाने के लिए इंडस्ट्री के लिए 18 दिन में, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है कि ईरान क्रिप्टो करेंसी माइनिंग स्टार्ट कर देगा 3 वीक में, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शन लगाए थे यूएस ने। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर जो निकल के आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, जो दोस्तों अर्जेंटीना की तरफ से है कि अर्जेंटीना की जो स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड है, यानी कि वहां का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो कार्ड चलता है, स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड बोलते हैं, स्यूब बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है बिटकॉइन को और वो जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं बिटकॉइन को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंटीनियन स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड स्यूब कैन नाउ बी टॉप अप यूजिंग बिटकॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पार्टनर कर लिया स्यूब कार्ड ने बाइटेक्स के साथ, और जो आप उनको ब्लॉकचेन ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के लिए प्रोवाइड करेगा। तो जो स्यूब कार्ड जो रहेगा वो अब फंड हो जाएगा बीटीसी से, जिससे बीटीसी से कार्ड को बाय किया जा सकेगा और टॉप अप वगैरह किया जा सकेगा। स्यूब जो है वो ट्रेन बस और सबवे में यूज होता है। तो 7 मिलियन पीपल 37 लोकेशन में अर्जेंटीना में, जहां पे 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं वो लोग इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और जाके आप पढ़ सकते हैं क्या है इसकी खबर। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और पॉजिटिव न्यूज है हम सबके लिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों वो आपको मैं बता दूं, क्रिप्टो, जैसा कि क्रिप्टोपिया हैक हो गया था दोस्तों सबको पता है, मैंने टेलीग्राम में भी मैसेज किया था इसके बारे में, तो और इसके बहुत सारे वीडियो भी बने हुए हैं यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक और लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि हैकर्स जो है वो लिक्विडेट कर चुका है $3.2 मिलियन के टोकन, क्रिप्टोपिया से हैक हुए थे उसको लिक्विडेट कर चुका है और बहुत सारे एक्सचेंज में उन्होंने कर दिया है। सबसे ज्यादा मोस्टली इथर डेल्टा, बिनेंस और बीबॉक्स में इन्होंने अपने फंड को लिक्विडेट किया। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया अपने फंड को इन्होंने, मतलब ये जो हैकर्स लोगों ने, हैकर्स के जो हैकिंग हुआ था वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी खबर आई थी दोस्तों जनवरी 15 को, जैसा कि यहाँ पे बताया कि हैक 14 जनवरी को हुआ है, क्रिप्टोपिया ने बताया था। तो वो मेंटेनेंस पे है, एक्सचेंज अनशेड्यूल मेंटेनेंस पे है और इसकी पूरी जांच की जा रही है न्यूजीलैंड पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है दोस्तों, और साइबर क्राइम बोल सकते हैं इसको, और क्रिप्टोपिया जो है उनकी गवर्नमेंट और एजेंसी जो है वो भी लगी हुई है इस काम में। तो
ये पूरा अपना एक्सचेंज को मेंटेनेंस में डाल के रखे हैं दोस्तों। और क्रिप्टोपिया में, जो एक्सचेंज है वो, उसमें सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था, तो एक्सचेंज में बहुत सारे वॉलेट इसमें स्टोल हुए हैं। पता नहीं है अभी, पूरी खबर अभी निकल के नहीं आई है, बट यहाँ पे अभी यहाँ पे बताया गया है, ये जो जांच एजेंसी है लिमिटस करके है, वो बता रहे हैं कि 3.2 मिलियन का स्टोलन हुआ है टोकन का, बहुत सारे एक्सचेंज में लिक्विडेट कर दिया है, ठीक है, हैकर के थ्रू। जो भी हैकर है, जिसने भी स्टोल किया, वो इसको मूव कर चुके हैं वहां पे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब और आगे खबर आएगी तो बताएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे एक और खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन बीटीसी ईटीएफ की, कि जो एसईसी कमिश्नर है जैक्सन, उनका ये सोचना है कि रेगुलेटर जो है वो अप्रूव कर देंगे बीटीसी और ईटीएफ को, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप जाके पूरा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और छोटी छोटी खबरों पे चलते हैं दोस्तों। खबर वही जो जानना जरूरी, मैं बताता हूँ आपको। और अंदर से ट्रॉन वालों, क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ट्रॉन जो है वो 7 लाइफ चेंजिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है मिस्ट्री गेम फॉर कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए, ट्रॉन के लिए, ठीक है दोस्तों। लाइट कॉइन की बहुत बड़ी खबर है, लाइट कॉइन जो है वो 30% स्पाइक हो गया है और आके अब स्टेबल हो गया है, 30% स्पाइक हुआ है, आप देख सकते हैं, अच्छा खासा बड़ा है दोस्तों। लाइट कॉइन 43-44 डॉलर पे ही आ चुका था, अभी 1% वापस गिरना चालू है, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा है, और 30% की उछाल इसमें देखने को मिली है लाइट कॉइन में। और दोस्तों हमने भी लाइट कॉइन को रिकमेंड किया था आपको, जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2019 का हमने जो वीडियो डाला यूट्यूब में, उसमें आप देख सकते हैं हमने रिकमेंड किया था, और इसमें अच्छी खासी इनकम हो चुकी है आप लोगों को, इस सब के लिए बताइए आप लोगों को, ठीक है। तो चार्ली लिए इन्होंने भी बहुत सारे काम इसमें करने वाले हैं ये भी, और दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी बता रहा है यहाँ पे, तो एक ये अच्छा लाइट कॉइन एक बहुत अच्छा कॉइन है। तो एक और छोटी एक और खबर निकल के आ रही है कि 6 क्रिप्टो माइनर अरेस्टेड इन जर्मनी फॉर यूजिंग स्टोलन इलेक्ट्रिसिटी। पुलिस ऑफ जर्मनी जो है दोस्तों, उन्होंने एक रेड किया था लार्ज माइनिंग ऑपरेशन में, जिसको इलीगली बाईपास इलेक्ट्रॉनिक मीटर में लगाया गया था, मतलब वो लोग स्टोल कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को चोरी कर रहे थे वो लोग माइनिंग करने के लिए, तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, बिनेंस जो है, बिनेंस एक्सचेंज, बिनेंस ने 446 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया 2018 में, एक एनालिसिस में बताया गया, ठीक है दोस्तों। ये कि तीन एक्सचेंज है जो आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं विदाउट नोइंग यू, यानी बिना आपको जाने ये एक्सचेंज आपको अलाउ करते हैं कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे बिना कोई अकाउंट बनाए आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज का नाम मैं बता देता हूँ, एक चेंजर है। चेंजर भी जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसमें आपको अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो लोग डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको ईमेल के द्वारा 15 कॉइन को ही एक्सचेंज करने की सुविधा देते हैं, ठीक है। साथ में एक फेयर शिफ्ट करके है, वो भी आपको देता है, जो बिना कोई एक्सचेंज क्रिएट के और कॉइन स्विच करके है, ये भी आपको देता है, ठीक है। तो अब इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है खबरें, वही आपको जानना जरूरी, अभी तक की इंपॉर्टेंट टॉपअप न्यूज जो आपको रखेगी क्रिप्टो में हमेशा आगे, ताकि आप ऑनलाइन अच्छी अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।